Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is a village cricket match from the fiction section of the book Modern English Prose by Guy Boas. It is a very humorous piece written by A.G. McDonald और आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर A.G. McDonald. A.G. McDonald was a Scottish writer and a modernist in his writings, and he was a journalist and a broadcaster. This A Village Cricket Match has been taken from his book England, Their England. It is a very famous work of his. It is a humorous, light-hearted and a very funny satire on typical aspects of English life. यानी कि काफ़ी फ़नी है लेकिन लाइट हार्टेड वे में है. यहाँ पे ज़्यादा तनकीद उन पर इतनी नहीं की गई, यानी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, व्यू से नहीं लिखा गया. ये फ़नी और सिंपथेटिक वे से लिखा गया है और जो फ़नी आस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश लाइफ के और उसके अंदर टिपिकल आस्पेक्ट्स जो हैं उनके अंदर एक ह्यूमर एलिमेंट जो है वो निकाल के राइटर ने सामने लाया है. द ह्यूमर इन इट इज़ इनिमिटेबल, हैविंग नथिंग सुपीरियर अबाउट इट. यानी कि बस नॉर्मल सा ह्यूमर लिखा है, कुछ बहुत इसके अंदर बड़ा मकसद नहीं है इसको लिखने का. उन्होंने दिस द एटीट्यूड ऑफ राइटर इन इट इज़ नॉट मेरली क्रिटिकल बट हाईली सिंपथेटिक. यानी कि उनकी पर तनकीद जो है नहीं की गई बल्कि सिंपथी दिखाकर उनकी एक फनी तरीके से बयान किए गए हैं कि वो टिपिकल इंग्लिश लोग होते कैसे हैं, उनकी लाइफ में कैसी चीज़ें होती हैं, उनकी जो आदत होती हैं या उनकी थिंकिंग कैसी होती है. Also, there is little irony in it accompanied with it. So this was the introduction of the writer and story. Now we will start the summary of the chapter. It starts from these lines. The crisis was now desperate. The fieldsman drew nearer and nearer to the batsman, excepting the youth in the blue jumper. Livingstone balanced himself on his toes. अच्छा, start में ही writer ने जो है एक cricket match का जिक्र किया है और start में ही थोड़े से बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे ये मैच जो है वहाँ से स्टार्ट लिया है. यानी एंड आने वाला है मैच का, पता चलने वाला कि विनर कौन होगा और जो है थोड़े से कैरेक्टर्स भी शुरू में इंट्रोड्यूस करा दिए हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन क्या जॉब यहाँ पे कर रहा है, फिलहाल क्या बना हुआ है यहाँ पे. अच्छा, टिपिकली क्या होता है कि विलेज में जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उनके अंदर कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं होते या सही प्लेयर्स नहीं होते, बल्कि वहाँ के जो विलेज के लोग होते हैं जैसे बेकर, ब्लैकस्मिथ या प्रोफेसर जो भी हैं वही लोग जो है वो प्लेयर्स बने होते हैं और अपने फारिग टाइम में इस तरह से गेम्स वगैरह खेलते होते हैं. तो यहीं पे यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन है, कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है, नॉर्मल गांव के लोग हैं. और जो है यहाँ पे फिर राइटर बताते हैं कि कैसे स्टार्ट कहाँ से लिया उन्होंने कि मैच क्रिटिकल पॉइंट पर है अपने. गेस्ट टीम जो है, अच्छा विलेज मैचेस में क्या होता है कि एक तो आप अपने होस्ट होते हैं, यानी कि आप जहाँ पे मैच खेल रहे हैं आप वहाँ पे वहाँ की टीम है तो आप होस्ट हैं, और फिर दूसरे गांव से या दूसरे इलाके से जो लोग आए हुए हैं वो आपकी गेस्ट टीम है जो आपसे कंपटीशन और मैच खेलने आई है. तो यहाँ पे क्या है, जो गेस्ट टीम थी वो सारी खेल चुकी हुई है यानी कि उनकी बैटिंग ख़त्म हो चुकी है. अब जो होस्ट टीम है उनकी बैटिंग चल रही है, यानी कि अब डिसाइड होगा कि विनर कौन होगा. उनके पास, होस्ट टीम के पास दो विकेट्स रहती थी, यानी कि उनके तकरीबन सारे आउट हो चुके हैं, बस दो लोग बचे हैं. और दे कुड विन द मैच, अगर थोड़े से और रन्स वो हासिल कर लें तो वो मैच जीत सकते हैं. इसलिए फील्डर्स ज़्यादा परेशान हुए थे और एंशियस हुए थे कि अब हमने इन्हें रन लेने नहीं देना ताकि हम मैच जीत सकें. और अब वो बैट्समैन के करीब आ रहे थे, वो कहते हैं ना फील्ड क्लोज कर लो, तो वो क्लोज फील्ड अब करना शुरू हो गए थे, यानी कि एक भी रन ना बन पाए वरना वो हार जाएंगे. तो जो है सब एंशियस थे. इसमें एक करेक्टर है साउथ कॉट, वो काफ़ी काम एंड कूल रहता है, बट इतना क्रिटिकल टाइम था, राइटर कहते हैं कि अभी वो भी एंशियस हुआ हुआ था और जो है बहुत ज़्यादा वरी नज़र आ रहा था, क्योंकि जो मुंह में वो पीस ऑफ ग्लास चबा रहा था जब वो काम एंड कूल होता है तो उसने वो भी मुंह से निकाल के फेंक दिया हुआ था और अब वो बहुत ज़्यादा एंशियस होकर दिख रहा था कि कहीं से भी रन ना बन पाए. पॉलॉक वॉज इज अनदर करेक्टर इन इट. ही वॉज मच मोर एक्साइटेड देन एनी वन और ही वॉज लीपिंग एट द बैट्समैन. यानी कि वो प्रैक्टिकली ऊपर चढ़ रहा था बैट्समैन की कि बस किसी तरह वो रन ना बना सके. अब जो है कैप्टन मिस्टर हॉज इज़ द कैप्टन, रिमेंबर दिस. तो अब वो डिसाइड कर रहे थे कि किसको मैंने बाउलिंग के लिए भेजना है, कौन फील्डिंग करेगा, कैसे करेगा. तो अब जो है इन अदर करेक्टर इन इट इज़ मेजर, उनको भेजा कैप्टन ने, कहा कि अब आप बाउलिंग कराएंगे. तो जो है जब मेजर ने बॉल कराई तो बैट्समैन ने क्या किया, उस पर स्कोर बना लिया. तो अब उसके बाद जो है अगली बॉल करवाई तो जो है वो बॉल हिट नहीं हो पाई, लेकिन विकेट कीपर जो है वो उसको रोक नहीं पाता, तो वो पीछे से रोक नहीं पाया तो वो पीछे से बॉल निकल गई और एक और रन हो गया.
ये जो है बीच में एक बहुत लंबा पॉज आया जिसमें कोई ना ही तो कोई रन बना ना ही कोई विकेट गिरी, बस बॉल्स होती जा रही थी। ऐसा टाइम आता है ना मैच में बीच में कि ना आगे बढ़ पा रहा होता है, कोई रन भी नहीं ले पा रहा था, ना ही कोई विकेट गिर पा रही होती है, तो इस तरह से पॉज बीच में आया। एक ओवर थ्रो हो गया जिसकी वजह से दो और रन हो गए होस्ट टीम के। अब जो है दोनों टीमें बराबर हो गई थी, उन दोनों के इक्वल स्कोर हो गए थे, या तो वो जीत सकते हैं या हार सकते हैं, पता चलेगा क्या होगा। मेजर वॉज रेड विद एंगर, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो गुस्से में उससे गलत बॉल हो गई और उसने क्या किया, हाफ बॉल ही दे दी लेग स्टंप पे। बैट्समैन ने क्या किया, उसे पूरी अपनी माइट के साथ जोर से उसने बॉल को मारा और बॉल जो है वो स्ट्रेट गई फील्डर्स के पास, यानी कि आउट होने लगा है, यानी कि और जो है सीधा बॉल ऊपर गई है फील्डर के हाथ में है, लेकिन जो है क्या हुआ कि फील्डर के वेस्ट में वो लगने लगी थी, लेकिन लकीली वो एंड टाइम पे हटा, अपने आप को बचा लिया उसने। पीछे उसके एक और फील्डर खड़ा था, ही वॉज बून, हिज नेम वॉज बून, लेकिन वो इतना लकी नहीं था और ना ही वो इतना ज़्यादा फिजिकली फिट था कि वो जल्दी से मूव कर सकता, बिकॉज ही वॉज अ लिटिल हैवी काइंड ऑफ मैन। वो बच नहीं पाया और सीधा बॉल क्या लगी उसके पेट में, आके जोर से बॉल लग गई और वो दर्द से चीखा क्योंकि बॉल बहुत ज़ोर से लगी थी, और जल्दी से वो अपने बैली रब करना शुरू हो गया क्योंकि बहुत ज़ोर से बॉल लग गई थी। और उसने सोचा कि इसमें थोड़ा सा ये राइटर ने एक ह्यूमरस थोड़ा सा इंसिडेंट डाला है कि ये बॉल एकदम से उसको लगी लेकिन वो पता नहीं कैसे उसके हाथ के अंदर आ गई, और जो है वो बेचारा तो अपना पेट का दर्द लेके बैठा था, लेकिन उसे पता चला कि उसने हाथ में पकड़ ली हुई है बॉल, तो लोगों ने तो उसके लिए अप्लॉज करना शुरू कर दिया कि उसने कैच कर लिया और उसने बॉल पकड़ लिया, जबकि उसी बेचारे को पता था कि उसके ऊपर क्या गुजरी और वो कितना बैटरी हर्ट हो गया है। डोनाल्ड हिज टीम मेंबर केम टू हिम और उसे कांग्रेचुलेट किया कि वाओ यार तुमने कैच कर लिया। उसने गुस्से से कहा आई डिडंट वांट टू कैच द थिंग, क्योंकि उसकी तो चोट लग चुकी है। तो डोनाल्ड की तरह बट इट मे सेव द साइट, चलो तुमने हमें बचा तो लिया। एंड देन बोन स्टार्टेड कर्सिंग, उसे कोई परवाह नहीं है कि कैच हुआ नहीं है, उसे अपनी चोट की तरह। डोनाल्ड वेंट बैक टू हिज प्लेस। अब स्कोर जो है बराबर हो गए हैं, एक विकेट रह गई उनके पास, और जो है लास्ट मैन जो है वो अब कौन आया है, वो है ब्लैक स्मिथ। मैक्सिमम टेंशन आ गई मैच में क्योंकि एक विकेट रह गई है बस, और एक आउट हो गया तो वो जीत जाएंगे। ब्लैक स्मिथ अगला रनर आया है और जो है वो अब क्या करेगा, लेकिन ब्लैक स्मिथ के जो है टांग में चोट आई है तो वो भाग नहीं सकता, इसलिए उसके रनर के तौर पे बेकर भागेगा उसके लिए। तो जो है क्योंकि जो है इस तरह भी हो सकता है गांव वगैरह में, ऐसे भी हो जाता है कि आप बस बैटिंग करें, आपके लिए भागेगा कोई और दूसरी साइड पर दूसरा बैट्समैन खड़ा होगा जो आपके रन लेने में हेल्प करेगा। फर्स्ट बॉल जो थी वो इतना एक्साइटेड था, जैसे ही फर्स्ट बॉल उसको आई ब्लैक स्मिथ को, उसने ज़ोर से उसको हिट किया और वो बहुत ऊंचाई तक ऊपर चली गई। यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमरस एलिमेंट राइटर ने ऐड किया, क्योंकि जब आप एक ह्यूमर लिख रहे होते हैं, कोई फनी स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी एग्जैजरेशन भी डालते हैं ताकि ज़्यादा हंसी आए, वरना अगर वो रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फ़नी कुछ उसमें से लगेगा नहीं। तो इसलिए राइटर ने क्या किया कि वो इतनी ऊंची, इतनी ग्रेजुएशन यहाँ पे किया कि बॉल इतनी ऊंची चली गई, इतनी ऊंची चली गई कि ऐसा लग रहा था कि ग्रेविटी उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करी। अब उतने देर नीचे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ग्रेट एक्साइटमेंट हर जगह फैल चुकी है, लोग कैच करने के लिए बेकरार हैं, उसके अलावा जो रनर्स हैं वो रन लेने के लिए बेकरार हैं। अब क्या हुआ कि जो है इन द फर्स्ट प्लेस ब्लैक स्मिथ को भूल गया कि जो उसका एंकल्स जो है उसमें मोच आई है, वो इतना एक्साइटेड होकर उसने दौड़ लगा दी, जबकि बेकर ने उसके लिए भागना था। अब जब ब्लैक स्मिथ दौड़ना शुरू हुआ तो बेकर भी समझ गया कि मैंने रन लेना है, तो वो भी उसके साथ दौड़ना शुरू हो गया। दूसरी साइड पे उनका जो रनर था उसका नाम जो था, उसको उन्होंने इशारा किया ऐसा कि तुम भी भागो रन लेने के लिए। वो तीनों और एक साथ भाग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे और बस बॉल की तरफ देख रहे हैं, और उन्हें रन लेने की पड़ी हुई है। एक साथ तीनों आए हैं और मिडल ऑफ द पिच में आकर तीनों आपस में टकरा गए हैं और कोई भी रन नहीं ले पाया और नीचे तीनों गिर गए, और इसी तरह से ऑडियंस की उम्मीदें भी उनके साथ मुझे गिर गई। अच्छा, ये तो था रनर्स का हाल, यानी बैटिंग टीम का हाल। अब फील्डिंग टीम में क्या हो रहा है, राइटर बताते हैं कि वहाँ पे भी ग्रेट एक्साइटमेंट चल रही है, हर किसी को पड़ी हुई कि हम लोग कैच ले लें, और वहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सही फनी सीन आता है स्टोरी का। मेन ट्रबल वॉज द एक्सेसिव कंसेंट्रेशन ऑफ द फोर्सेज इन द नेबरहुड ऑफ द विकेट, यानी विकेट के इर्द गिर्द ही सब मौजूद हैं, एक ही जगह पर सब मौजूद रहने की कोशिश कर रहे हैं, कैच लेने की शुरू कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर हॉट जो कैप्टन है, उन्होंने देखा बॉल की तरफ, तो उन्होंने जल्दी से देखा अपने टीम की तरफ और कि किसको मैं कहूँ कि ये बॉल तुम पकड़ो।
सब लोग उस स्ट्रेटेजिकल पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे कि कैच हम पकड़ लें, और बॉल के नीचे जमा हो रहे थे। बून जो है, लेकिन उसको एक्साइटेड नहीं था क्योंकि उसको तो अपनी चोट की पड़ी थी, वो उसी जगह खड़ा था, बट समहाउ वो ऑलरेडी उस जगह पे मौजूद था जहाँ पर कैच आना था। मेजर हॉकर जो है वो पागलों की तरह बस भाग रहे थे और माइन माइन करके शाउट कर रहे थे, कहते कैच मेरा है, और बाउलर एंड की तरफ से यानी जहाँ से बॉल करते हैं वहाँ उस तरफ से वो भागते हुए आ रहे हैं। अब आप अपने जहन में खुद ही सीन सोचें, आपको बहुत ह्यूमरस लगेगा और आपको समझ में आएगी कि कैसे कौन बॉल की तरफ आ रहा है, और इमेजिन करें ताकि आपको पता चले कि क्या गड़बड़ हो रही है और किस तरह से वापस में एंड में होगा और बॉल कौन पकड़ पाएगा या नहीं। बॉलर एंड की तरफ से मेजर हॉकर आ रहे हैं। मिस्टर हारकॉट जो है वो उन्होंने ही वॉज रनिंग अराउंड एंड अराउंड द बून एंड गिगलिंग फुलिशली, वो बस पागलों की तरह बून के गिर घूम रहे हैं और हंसी जा रहे हैं। लिविंगस्टन एंड साउथकॉट वो दोनों भी पागल हैं बॉल के पीछे, और वो आपस में कंपटीशन लगा के बॉल के किस तरफ भाग रहे हैं कि मैंने लेनी है मैंने लेनी है, उनमें से कोई एक कैच कर सकेगा। मिस्टर हॉर्स ने अब देखा कि मैं किसको कहूँ कि तुम जाओ बॉल की तरफ, तो उन्होंने देखा योर्स लिविंगस्टन, यानी जाओ लिविंगस्टन तुम पकड़ो बॉल जल्दी। तो अब साउथ कोर्ट जो है उसने जब सुना कि लिविंगस्टन को कहा, वो जल्दी से रुक गया, आधे रास्ते में जहाँ वो था उधर ही रुक गया फौरन से। लेकिन फिर मिस्टर हॉर्स को याद आया कि चलो मैंने किसको कह दिया, लिविंगस्टन ने तो पहले भी दो कैचेस तो पहले लिविंगस्टन ने छोड़े हैं। तो कैप्टन को फोन से आ रहा है, नहीं नहीं लिविंगस्टन तुम रहने दो, साउथ को तुम भागो उसकी तरफ बॉल की तरफ। अब गड़बड़ क्या हुई, लिविंगस्टन को सुना नहीं कि मुझे रुकने का कहा है, अब दोनों जी दोबारा से भागना शुरू हो गए हैं और एक ही जगह दोनों आ रहे हैं। अब जो यहाँ पे एक और ह्यूमरस एलिमेंट जो राइटर ने डाला है वो ये है प्रोफेसर ऑफ बैलिस्टिक्स, यानी कि ही इज़ ए प्रोफेसर, दैट्स व्हाई ही इज़ एजुकेटेड, और इसलिए वो बॉल आम तरीके से नहीं पकड़ेंगे बल्कि वो बहुत कुछ कैलकुलेट करके पकड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ज़बरदस्त कैलकुलेशन की, एंगल्स, वेलोसिटीज, डेंसिटी ऑफ द एयर, बैरोमीटर रीडिंग्स एंड टेम्परेचर, जाहिर बात है ये फनी तरीके से थोड़ा राइटर होता है, इतना कुछ कैलकुलेट करके उन्होंने आखिर पता लगा लिया कि बॉल कहाँ लैंड होनी है, और वो जगह कौन सी थी, इट वॉज 1 yard टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बून, जहाँ बून खड़ा था उसके नॉर्थ ईस्ट की थोड़े 1 yard के फासले पर बॉल लैंड होनी थी। अब जो है प्रोफेसर कह रहे मैं अब इस तरफ जाऊँगा और मैं यहाँ कैच कर लूँगा बॉल। अब सबको पता चल गई है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन कौन सी है, बॉल ने कहाँ लैंड होना, तो मज़ा अब स्टार्ट होगा जब सब एक ही जगह जमा होना शुरू हुए। प्रोफेसर बैलिस्टिक्स तो दौड़े उस तरफ कि मैं कैच करूँगा। रास्ते में क्या हुआ कि जो है अब रास्ते में डोनाल्ड भी आ रहा था, वो उससे टकराए, डोनाल्ड बेचारे को गिरा दिया। मोमेंट लेटर वहाँ से जी साउथ कोर्ट भी भाग कर आ रहा था, वो आया और वो जो है डोनाल्ड से टकरा कर ट्रिप हुआ उसका पैर, और वो सीधा गया फिसला और बून के पेट में जाकर उसका सर लगा। अगेन बून बेचारे को हर्ट हो गया बहुत ज़ोर का, बून बेचारा इस तरह उसको इतनी ज़ोर से पेट में साउथ कोर्ट का सर लगा, वो पीछे थोड़ा सा लड़खड़ाया पीछे की तरफ, जिससे क्या हुआ कि जो प्रोफेसर के टो पर उसका स्पाइक बूट आके ज़ोर से लगा और वो पूरा प्रोफेसर का टो जो है वो पिस गया नीचे उसके जूते के। फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो विकेट कीपर था वो भी पीछे से आकर प्रोफेसर में ज़ोर से लग गया, इसलिए बेचारे प्रोफेसर साहब सैंडविच्ड हो गए इन दोनों के दरमियान। फिर क्या हुआ, और जो है वहाँ से लिविंगस्टन भी भागता हुआ आ रहा था, उसने भी जो है आकर फौरन से एक्स्ट्रा मोमेंटम अपना ऐड किया और जो है वो भी उनके ऊपर आके गिरा। वहाँ पे जो मिस्टर शेक्सपियर पॉलॉक थे वो बस शाउट करे जा रहे थे, एक पागल जिस तरह के अमेरिकन यूनिवर्सिटी वगैरह में जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो गेम के टाइम जो ओवर एक्साइटेड हुए होते हैं, उसकी तरह बस वो ओवर एक्साइटेड हुए थे और घूम ही जा रहे थे बाउंड्री के आसपास, आउटस्कर्ट्स के आसपास, और चिल्ला रहे थे कि हम जीत के रहेंगे, हम जीत के रहेंगे। और आखिरकार यानी कि अब आप एनविजन करें कि लोग सारे एक जगह जमा हो गए हैं, अब बॉल नीचे आना शुरू हो गई है और अब बॉल नीचे आ रही है, और प्रोफेसर की एक्सीलेंट कैलकुलेशन की जगह सामने आया कि वाकई में वो एग्जैक्ट उसी जगह गिर रही है जहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया था। जैसे ही बॉल नीचे आई सबसे पहले बून के हेड पे गिरी, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस हुई, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस हुई और फिर विकेट कीपर की बैक पर गई, वहाँ से वो नीचे रोल होते होते अभी ग्राउंड को टच करने लगी थी कि पॉलक ने फौरन से वो कैच ले लिया और उसके ट्राउजर्स से वो नीचे जमीन को लगने लगी थी कि उसने वो कैच पकड़ लिया और आउट हो गया। मैच जो है ख़त्म हो चुका था, टाई था, लेकिन अभी बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, क्योंकि भगता मैच ही उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, किसी ने देखा ही नहीं कि उन्होंने कैच ले लिया है। तो अब जो रनर्स हैं उनको अब होश आया है, वो गिर चुके थे, वो अब उठे हैं, वो अब इधर उधर देख रहे हैं कि हमने तो रन लेना था, अब जी वो तीनों उठे
और एक ही विकेट की तरफ भागना तीनों शुरू हो गए। फिर आगे रास्ते में जाके उन्हें याद आया कि हम तो गलती कर रहे हैं, हम तीनों एक ही तरफ क्यों भाग रहे हैं। तो तीनों जी हैं दूसरी विकेट की तरफ तीनों एक साथ फिर से भागना शुरू हो गए हैं। कोई फायदा नहीं हो सका क्योंकि मैच तो खत्म हो चुका है, वो दोनों टीमों का आपस में टाई हो चुका है। फिर जब मैच खत्म हुआ तो शाम को सारे प्लेयर्स वगैरह इकट्ठे हुए इन पर, जिसका नाम था थ्री हॉट शूज होटल वगैरह, वहाँ उन्होंने खाना वाना खाया और जो है बातें की आपस में। वहाँ पे मिस्टर हारकोर्ट ने एक स्पीच दी कोई अजीब सी बीच में मिक्स लैंग्वेज करके, और फिर क्योंकि वो थके थे और ड्रंक थे तो बस फिर उन्होंने स्पीच दी और सो गए वहीं पर। डोनाल्ड जो है वो वहाँ रॉयल एवेन्यू में उसका घर था, वहाँ वो रह रहा था। बस वो जब ख़त्म हुई पार्टी वगैरह इवनिंग में होटल से वापस आया, अपने घर गया, और रास्ते में क्योंकि डोनाल्ड वॉज नॉट इंग्लिश, ही वॉज नॉट लोकल फ्रॉम हियर, वो बाहर से आया था इन लोगों के साथ खेलने, तो उसे ये सब खेल के बहुत अजीब फील हुआ कि पता नहीं उसने क्या हासिल किया ये गेम खेलकर, और इंग्लैंड की जो ये मशहूर गेम है क्रिकेट, ये सब खेलकर पता नहीं उसे क्या हासिल हुआ है इससे। यहाँ पे यानी कि राइटर ने आयरनी यूज़ की है और थोड़ा सा तनकीद की है इंग्लिश लाइफ पर, इंग्लिश लोगों पर और उनकी गेम पर, कि उसे तो कुछ डोनाल्ड को हासिल इससे ना हुआ जितना मशहूर किया गया है और जितना इंग्लिश लोगों को कहा जाता है कि उनकी हर एक चीज़ से सीखने की बात मिलती है। तो डोनाल्ड कहता है मैंने तो कुछ इससे ना सीखा। सो दिस वॉज द होल चैप्टर ऑफ विलेज क्रिकेट मैच। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।